दोस्तों, पहली वीडियो में हमने डे वन कवर करा था, जिसमें पहले दिन हम जब घर से चले थे और मुनस्यारी तक पहुंचे थे, वहां तक का सफर हमने उस वीडियो में पूरा दिखाया है। तो डे वन का वीडियो वही था। अब डे टू का वीडियो शुरू करेंगे दोस्तों उसी से आगे को, जब हम होटल में पहुंच चुके थे। सुबह के 7 बज चुके हैं और हम आ चुके हैं बाहर। हमारे बाकी फ्रेंड जो हैं वो अंदर सोए हुए हैं। पीछे हमारे देख सकते हैं पंचाचूली पर्वत हैं, जो कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, नहीं तो दूसरे एंगल से दिखाऊंगा अभी आपको। दोस्तों, अगर आप यह चैनल पहली बार देख रहे हैं तो लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको क्लिक कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और कमेंट भी करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, हमारे होटल से व्यू कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। अब आप देख सकते हैं सूरज की किरणें भी पड़नी शुरू हो चुकी हैं पर्वत से। तो अभी मैं आपको अब नजदीक से दिखाऊंगा इसे। दोस्तों, सामने जो आपको बर्फीले पहाड़ दिख रहे हैं, इनका नाम है पंचाचूली पीक्स। इनको पंचाचूली पीक्स नाम से जाना जाता है दोस्तों, और इसे इसलिए भी जाना जाता है पंचाचूली पीक्स क्योंकि इसमें 5 पर्वत एक साथ हैं, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। इसका पौराणिक आधार है दोस्तों, महाभारत युद्ध के उपरांत कई वर्षों तक पांडवों ने सुचारू रूप से राज्य संभाला था। वैध होने पर उन्होंने स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान किया। मान्यता है कि हिमालय में विचरण करते हुए इस पर्वत में उन्होंने अंतिम बार भोजन बनाया था। इसके 5 उच्चतम बिंदुओं पर पांडवों ने 5 चूल्हे अर्थात 5 चूल्हे बनाए थे, इसलिए इसका नाम पंचाचूली कहलाया। धार्मिक ग्रंथों में इसे पंचाशिरा कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम पंचाचूली पीक्स पड़ा है दोस्तों। काफ़ी फेमस है, अगर आप इसको गूगल में भी सर्च करेंगे उसमें आपको इसकी ज़्यादा डिटेल मिल जाएंगी। तो थोड़ा सा मैंने आपको बताया और इसके सुंदर दृश्य आपको मैं दिखा रहा हूँ। दोस्तों, अभी हम इस पहाड़ के काफ़ी नीचे हैं, जो पर्वत हमारे सामने पंचाचूली आपको दिख रहे हैं। होटल क्योंकि काफ़ी गहराई में है इसलिए बर्फ़ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है सुबह के समय। और आप देख रहे हैं धीरे धीरे यहाँ पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं यहाँ पर पर्वत पे, और गोल्डन चोटी यहाँ पर दिखाई दे रही है हमारे ठीक सामने। ये पंचाचूली पर्वत है और हम आपको यहाँ के सुंदर नज़ारे दिखा रहे हैं। कुछ यहाँ पर धुंध सी दिख रही है दोस्तों, वो धुंध नहीं है, रात के समय जंगलों में काफ़ी आग लगी थी, वही धुआं नीचे नीचे तैर रहा है। तो मैं अभी आपको यहाँ पर सनराइज दिखाऊंगा दोस्तों, अभी शुरू ही होने वाला है। ये आप देख सकते हैं यहाँ कितनी ठंड थी, -14 डिग्री गया था। और ये देखिए रोड किनारे जो पानी था ना, ये ऐसे जम चुका है, बिल्कुल बर्फ बन चुकी है। ये देख सकते हैं आप, ये रोड किनारे ये देखिए बिल्कुल बर्फ बन चुका है पानी, -14 डिग्री सेल्सियस पे। नाइट में मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, आप देख सकते हैं -14 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे था। तो अब हमने आज सुबह की शुरुआत करी है, सारे हमारे दोस्त यहाँ पर देखिए जाग चुके हैं नींद से और सुनहरी धूप यहाँ पर खिल चुकी है। देखिए आप, नंदा देवी मंदिर यहाँ पर है और हम लोग यहाँ से कूच करेंगे आगे के लिए। हेलो गाइस, तो हम पहुँच चुके हैं नैना देवी मंदिर मुनस्यारी में, और ये राकेश भाई हमारे परम मित्र यूट्यूबर नुकुचिया ताल के। और कैसी फीलिंग है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ के, और सुबह तो क्या जबरदस्त थी, जो सूरज निकला जी जी साहब, और जो पहली किरण यहाँ पर इस किरण की बात है, जो बर्फ वाले पर्वत के ऊपर पड़ी है, क्या गोल्डन जो मैंने नजारा देखा ना सुबह सुबह, मैं आपको इस वीडियो में जरूर दिखाऊंगा उसे, शायद मैंने दिखा दिया होगा आगे ओके, वीडियो आएगी। तो अभी हम आगे चलेंगे और आपको नंदा देवी मंदिर के दर्शन कराएंगे। क्या क्या यहाँ पर अभी आपने मैप चेक किया, उसमें हमारी नेक्स्ट लोकेशन कौन सी है सर, जरा बताओ।
नेक्स्ट लोकेशन जहाँ तक है हमारी होगी खलिया टॉप जाने वाले गाइस। हम इसके बाद आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ इस साइड में, और बर्फ से घिरे हुए हैं पहाड़ वैसे, लेकिन हमको आज बर्फ मिली नहीं है। मिलने वाली, तब तक के लिए लेते हैं एक ब्रेक। वॉशिंग पाउडर निर्मा। तो ये थे अभी तक हमारे साथ गोपेश भाई हमारे, जो कि अपनी कमेंट्री कर रहे थे और आप लोगों को बता रहे थे कि हमने क्या यहाँ पर देखा अभी तक और कहाँ हम जाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे आगे से हमारे मित्र यहाँ पर जा रहे हैं और मैं भी जा रहा हूँ। रास्ता कुछ इस प्रकार से है और नंदा देवी मंदिर सबसे पहले हम दर्शन करते हुए यहाँ पर जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ की और जगह देखेंगे, जैसे खालिया टॉप है, बर्थी फॉल है, और एक कालिया टॉप करके भी है, पता नहीं क्या है वो, और गर्म पानी का कुंड है एक, तो एक और कुंड, दो कुंड हैं। तो देखेंगे हम कितना यहाँ पर कवर कर सकते हैं, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। तो ये आज सुबह की शुरुआत है मंदिर का। यहाँ पर मेन गेट जैसा कि आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, और यहाँ से हम एंट्री करेंगे अंदर के लिए और यहाँ दर्शन करेंगे मंदिर। तो दोस्तों यह है नंदा देवी मंदिर का परिसर, जैसा कि आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर नज़ारा है। तो मैं थोड़ा नंदा देवी माता के बारे में आपको बता देता हूँ। नंदा देवी उत्तराखंड में पूजे जाने वाली देवी है, जो कि कुमाऊँ और गढ़वाल दोनों मंडल में पूजी जाती है। यहाँ के लोग नंदा देवी की पूजा करते हैं। नंदा देवी मुंशहरी में इस जो मंदिर है हमारे सामने, इसका निर्माण 1114 में किया गया था। तो तब से यहाँ पर देवी नंदा की पूजा होती है। और मंदिर के आप सामने की तरफ देख सकते हैं पंचाचुली पर्वत दिखाई दे रहा है। हेलो गाइस, हम पहुँच चुके हैं नंदा देवी मंदिर में, और आप पीछे देखिए हिमालय और सुंदर नज़ारा यहाँ का, और आगे राकेश जी आपको दिखाएंगे सब कुछ जो आप पीछे अभी तक सब बता रहे हैं, और काफ़ी अच्छा नज़ारा, गुनगुनी धूप। दोस्तों मंदिर परिसर के अंदर एक ये एडवेंचर के लिए भी बनाया गया है, इसके ऊपर टॉप में चढ़ने का बनाया है, एक यहाँ से आप अच्छा व्यू ले सकते हैं जो सामने हमारे पंचाचुली पर्वत दिख रहे हैं उसके लिए, और इस यहाँ से कहीं से ऊपर जा सकते हैं। तो ये मंदिर का परिसर देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, कितना बढ़िया नज़ारा आ रहा है सामने हमारे नंदा देवी मंदिर का टेम्पल। बैकग्राउंड वाला यहाँ पर परिसर है वो ये है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये बर्फ वाले पहाड़ भी दिख रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ पर देखिए अपने मित्र से बात करवाता हूँ, देख क्या कहते हैं। पंकज जोशी जी, तो ये बताइए नंदा देवी मंदिर आपको कैसा लगा यहाँ का, मुंशहरी का? बहुत अच्छा है, यहाँ से व्यू देखिए आप, थोड़ा जोर से बोलिए, वहाँ हमारे दर्शकों को सुनाई नहीं दे रहा है, दिख रहा है यहाँ से, जो दिल्ली के कस्टमर आए हैं यहाँ पर तो बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा, अभी हमारे दूसरे मित्र भी एक और जुड़े हैं यहाँ पर, दीपक गुजासी जी, काफी यहाँ पर मंदिर का जायजा लेके आए हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं, बताइए आप अपना एक्सपीरियंस क्या देंगे। नंदा देवी मंदिर जगह है, यहाँ पर से आपको पंच परमेश्वर वो भी दिखेगा आपको पहाड़िया, और यहाँ से आपको बहुत अच्छा सुंदर व्यू, इस बार बर्फ वगैरह कम गिरी है और एंजॉयमेंट फुल रहेगा। तो अभी हम अपने दो और दोस्तों के पास ले चलते हैं और जानते हैं इनसे हमारा नंदा देवी मंदिर कैसा लगा इनको, और यहाँ की पहाड़ियाँ कैसा नज़ारा यहाँ पर मिल रहा है देखने को। तो गौरव भाई, सबसे पहले आप बताइए आपको नंदा देवी मंदिर कैसा लगा? बहुत बहुत बढ़िया, मैं मतलब मेरी तो आत्मतृप्त हो चुकी है, मैं तो आज बहुत खुश हूँ, जो सौभाग्य आपके साथ हमको यहाँ आने का मिला, मैं काफी आनंदमय उसमें हूँ, और मैं भक्ति में चूर हूँ अभी फिलहाल, और मैं सोच रहा हूँ आज इसके बाद हम जब जाएंगे नेक्स्ट ट्रिप में तो मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा, मेरे गले में दर्द हो चुका है, सांप को आपने देखा, मैं ड्राइव बहुत कर चुका हूँ, और बीच में मुझे रास्ते बहुत गंदे मिले हैं, लास्ट में दो सिर्फ एक ही इंसान का आ रहा है, त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारा सबसे गंदा सीएम, मैं बोलना चाहता हूं। अभी राजनीति छोड़िए, और कमल भाई आप बताइए आपको कैसा यहाँ पर फील हो रहा है? ठीक है, आप आते रहते हैं तो हमारा ट्रिप बहुत बढ़िया रहता है यहाँ का। ठीक है ठीक है, तो रोड का प्रॉब्लम है, हाँ रोड का थोड़ा प्रॉब्लम है, ये हमारे साथ भी दिक्कत आई थी, तो आप हमारे साथ देख सकते हैं यहाँ पर पीछे काफी सारे पर्यटक आपको देखने को मिलेंगे जो कि मजे ले रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे काफी सारे पर्यटक हैं जो कि दिल्ली से आए हुए हैं, और हमें ये बोल रहे हैं कि काफी अच्छी प्लेस है और ऐसा है, पहाड़ों में इतना मजा आ रहा है ये सब। तो यही सब था, अभी हम यहाँ से फिर आगे की तरफ चलेंगे, तो आपको मैं फिर से वीडियो बना के दिखाऊंगा आगे के लिए। मंदिर परिसर में हमने काफ़ी सारी फोटोग्राफी भी करी और उसके बाद हम आगे की तरफ चल दिए, और अब हम देख रहे हैं कहीं पे बर्फ मिल जाएगी हमें, तो अब वहाँ पर थोड़ा मौज मस्ती करेंगे।
दोस्तों जब हम खालिया टॉप की तरफ गए तो हमें वहाँ बर्फ मिल गई और हमने यहाँ पर खूब मौज मस्ती करी, जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ इस वीडियो पे। फ़ोन में बैटरी ना होने की वजह से ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगा, तो उसके लिए माफ़ी, और थोड़ा देर में इसको चार्ज लगाऊंगा, उसके बाद मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। और ये देख सकते हैं हमारे मित्र लोग सभी बर्फ़ में मौज मस्ती कर रहे हैं और हम भी, और इसके बाद मैं फ़ोन चार्ज लगा दूंगा। और खाली टॉप होने के बाद हम लोग मौज मस्ती कर रहे हैं नीचे रोड पर आके, अब आगे हम बढ़ेंगे तब तक थोड़ा डांस हो जाएगा। सारे गलत कामों में मेरे आंटी पुलिस बुला के नाचे पुलिस के साथ, आंटी पुलिस बुला के नाचे पुलिस के साथ। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया है तो तुरंत करिए और बेल आइकन।